मदुरै पांड्य लोग की दूसरी राजधानी थी, जिसे अंग्रेज जो है मदुरा कहा करते थे, लेकिन यूनान लोग इसको में दोरा कहने लगे। यह कहानी जो है पापाती नाम की 12 साल की लड़की की है, जिसकी माँ का नाम वली अमाल है। वह अपनी बेटी पापाती को अपने साथ लेकर गांव के मुन्ना डिप्टी के एक छोटे हेल्थ सेंटर बहिरंगा रोगी विभाग के बरामदे में बैठ कर इंतजार कर रही थी। पहले दिन पपाती को बुखार था। बड़े डॉक्टर ने कहा कि इसे जल्दी से जल्दी शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। वली अमाल बहुत ज़्यादा डर गई। वह अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले गई। वहां जाने पर स्ट्रेचर पर लेटी डॉक्टर 6 डॉक्टर जो हैं उसे चेक कर रहे थे। उनमें से एक बड़े डॉक्टर जो थे ब्रिटिश मेडिकल जनरल से पढ़ाई करके आए थे। उन्होंने कहा कि इस लड़की को जल्द से जल्द एडमिट किया जाए, केस गंभीर है। बड़े डॉक्टर के अलावा वहाँ डॉक्टर घनशेखर पाल और हेड नर्स मिरांडा भी थी। वली अमाल लाइन में खड़े होकर जैसे तैसे श्रीनिवासन से चीट बनवाया। उस चीट का कलर पीला रंग का था। चीट बनवा कर उसे कहा गया कि सीढ़ी के पास एक सज्जन बैठे हैं, उसे यह चीट दे देना। पर वली अमाल जैसे वहां गई वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वह सज्जन आए। वह आदमी अपने भांजे को भर्ती कराकर आया था। वली अमाल ने उसे चीट दिया तो उस आदमी ने वली अमाल से उसके गांव का नाम पूछा तो वली अमाल ने कहा मुन्ना डिप्टी। यह सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और पूछा कि तेरे पति का वेतन कितना है। तो उसने कहा कि मेरे पति नहीं है। तो आदमी ने उसका वेतन 90 रुपया लिख दिया और लिख कर चिट अपने पास जमा कर लिया और कहा कि 48 नंबर कमरे में चली जाओ। तो वली अमाल ने कहा कि मेरी बेटी का क्या होगा। तो उसने कहा कि इसे यहीं छोड़ दो। वली अमाल को 48 नंबर कमरा नहीं मिला। तो अमलराज नामक आदमी ने उसे 48 नंबर कमरा दिखाया। वहां जाकर वली अमाल को मना कर दिया गया और कहा गया कि जग सीट यहाँ खाली नहीं है। उसे बोला गया कि कल 7:30 में यहाँ आ जाना। वली अमाल को यह पता नहीं था कि बिना घूस के काम नहीं होते हैं यहाँ। वह पपाती से 1.5 घंटे दूर रही, जिस कारण वह पपाती को खो जाने का चिंता सताने लगा। उसे सभी कमरे एक जैसे दिखने लगे, यानी वली अमाल जाके अंदर खो गई। उसे पपाती में खोजने में बहुत कठिनाई हुई, परंतु उसे पपाती मिल गई। पर वह एक कमरे में बंद थी। वली अमाल कमरा खोलने की गुहार लगाने लगी, पर कमरा में से आवाज आई कि 3 बजे आने पर कमरा खुलेगा। जैसे कमरा खुला वह जल्दी से जाकर अपनी बेटी को लेकर पीले रंग की रिक्शा में बैठ गई। रास्ते में बेदेश्वरन भगवान की मंदिर थी, वहां जाकर दोनों हाथ जोड़ कर पूजा की और मन्नतें मांगी कि जब पपाती ठीक हो जाएगी तो हम आकर यहाँ पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाएंगे।